गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सॉरी, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारे घर में पूजा हुई और वो पूजा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, आप ऐसा समझ लो। उसके बाद भी कुछ स्टेप है जो नेक्स्ट डे करने होते हैं। तो आज सवेरे, क्योंकि मम्मी ने कल पूरा दिन व्रत रखा था, आज उस व्रत को खोलने के लिए मम्मी चावल के आटे का आसा बनाएगी। आसा ये स्पेशली जो नॉर्थ के लोग हैं उन्हें पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको दिखाएंगे। वो चावल के आटे से बनता है और उसको फिर किसी भी ग्रेवी की सब्जी के साथ खा के ही व्रत तोड़ा जाता है। और ये जो चावल का आटा होता है, हम इसे धोकर सुखाकर पीस कर, और इवन पूजा में भी, ये आपने देखा होगा वीडियो में, पूजा में ये रखा होता है, तो इसकी पूजा करने के बाद फिर एज अ प्रसाद इसे ग्रहण करते हैं और फिर मम्मी का व्रत टूटेगा। तो अभी हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं और अब आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, ये हमने एक जस्ट एक फ्राई सब्जी बना के रख ली है, मिक्स वेज। ये मम्मी के लिए काफ़ी, इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर डाला है। ये जस्ट फ्राई करके रख लिया, ये काफ़ी हेल्दी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आसे के साथ हम आलू फ्लावर की ग्रेवी की सब्जी खाते हैं, तो उसके लिए हम फ्लावर को फ्राई कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे तैयार करके रख ली हैं, मसाले एंड ऑल, और हम फटाफट इसकी सब्जी बनाएंगे। पापा ने सुबह सुबह अपने चैनल का जो सुंदरकांड था वो लगा दिया है और हम सुबह से सुंदरकांड सुन रहे हैं। सनातन संस्कृति शुक्ला जी, ये पापा का चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सनातनी हैं और पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो। और मम्मी नहा चुकी है और अब मम्मी भी थोड़ा बहुत अपना डेली रूटीन का काम, पूजा पाठ ख़त्म करके फिर व्रत तोड़ेंगे। अब ये वही आटा है जिसका मम्मी ने कल पूजा किया था, और अब इसका जो आसा बनाकर ही मम्मी व्रत तोड़ेंगी। नॉर्मली हम लोग चावल का आटा ना गर्म पानी से गूंथते हैं, मगर उपवास के टाइम पे ना, इस टाइम हम लोग इसको ठंडे पानी से ही गूंथेंगे, गर्म पानी नहीं डालेंगे। व्रत के लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो अब इसको हम लोग इसमें ठंडे पानी से ही गूंथेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ये देखो, ये आसा है, ये पतला पतला बनाना रहता है और यही मम्मी खा के व्रत तोड़ेंगी। इसको आज चौका बेलन से नहीं करने का, बेलना नहीं है, हाथ से ही पतला पतला करने का। और इसको देखो, हम लोग ने तेल में मस्त तल दिया है और फिर यही सब्जी के साथ खा के मम्मी व्रत तोड़ेंगे। मम्मी अभी अपना उपवास तोड़ रही हैं। ये वही आसा है जो अभी हम लोग बना रहे थे, देखो उसको ऑयल में तल के, और ये सब्जी के साथ मम्मी खा रही हैं, और ये मूली है। अच्छा, तो अब ऐसा मम्मी ने व्रत तोड़ दिया है और अब पापा भी खान नाश्ते को बैठेंगे। तो ये देखो, अब धूप आई है और हम लोग धूप में बैठे हैं, ये मनुष्य भी है, फाइनली इनको धूप में आने का मौका मिल गया। धूप आई तो मैं आके बैठ गई थोड़ी, मैं थोड़ी ज्यादा बीमार हूँ। और पापा देखो, पापा के आँख का ऑपरेशन हुआ है, मगर ये बंदा हुड्डी पहन के और ऐसे पीठ उल्टा करके बैठे, और इनको ऐसा लग रहा है इनको कोई रोशनी नहीं लग रही है, जबकि मेरी आँख छोटी हो रही है धूप के वजह से। पर ये काला चश्मा लगाया अजय देवगन बने बैठे हैं, और क्या सुन रहे, कुछ तो सुन रहे हैं, पता नहीं क्या सुन रहे। रमेश भाई शुक्ला की राम कथा, रमेश भाई शुक्ला की राम कथा ये सुन रहे है। और ये मैं पी रही हूँ हल्दी वाला दूध ताकि मैं जल्दी ठीक। वन मानुस पता नहीं क्या कर रहा है, किसको ताड़ रहा है भगवान जाने, कौन आ रहा है जा रहा है नीचे, ये दिन भर किसी न किसी को ताड़ता रहता है।
इसके टी शर्ट का कलर और मेरे ये वाले हल्दी दूध का कलर एक ही हो गया है। देख सही में सेम हो गया, देख ये पी लो एकदम। और धूप देखो कितनी एकदम तेज धूप है। क्या है बाल्टी के प्लास्टिक की ये इधर। अच्छा है सब ना, नीचे ही आता रहता है जो आए चाहिए वो ले लेने का। मस्त जाने का नहीं किधर। तो बस अब हम लोग धूप का मजा ले रहे हैं, चिल मार रहे हैं और ये लोगों को ताड़ रहे हैं। घूमने नहीं चल रहे? मुझे कोई लेके नहीं जा रहा तो मैं कहाँ जाऊँ? गंज घुमा के लाया, जनपद मार्केट घुमा के लाया, इनको कभी नहीं पछता। तो कोई लेके जाए कहीं अच्छी जगह, कुछ शॉपिंग भी नहीं किया तो क्या तो फायदा? तो मार्केट बनता खरीदी नहीं थी तो तुम ऐसे दिन मुझे लेकर ही गए। नहीं खरीदी थी, दिखाई दिए, एक घुंघरू भी तोड़ लिया तो क्या फायदा ना। तुम कहीं अच्छी जगह ले गए, मार्केट बंद थी तब ले गए हो। तुम ये चली, मैंने बोला था उस दिन बंद है, नहीं ले चलो ले चलो। मेरे को नहीं, ये छोटू बोला था, मेरे को क्या पता उधर का। तो अभी हम लोग फिर से जाएंगे किधर, तो चल किधर, तो अच्छी जगह। अच्छी जगह वो कमरा बैक हॉल, तो आप गीजर चलाएंगे, हीटर चलाएंगे मस्त। को डॉक्टर ने बोलने को मना किया है, रोशनी में रहने को मना किया है, टीवी देखने को मना किया है, मोबाइल देखने को मना किया है। तो ये और भी स्मार्ट है, ये लगा के सुनने लगते हैं। इसलिए हम में से कोई इनसे बात नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा बात करना भी नहीं सही होता, तो इसलिए ये फ़ोन से ही बात करते रहते हैं। खाना बना, हर चीज़ का सोल्यूशन है। और ये खाना बनाने जा रहे हैं, जा नहीं रहा, लेके जाऊंगा तुमको। मैं नहीं जाऊंगी। और अब हम मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, सबको एकदम हल्का फुल्का ही खाने का मन है। तो मैं ड्राई फ्रूट अच्छे से, ये घी में मैं सब कुछ भून लूँगी और फिर घी में ही हलवा बनाऊंगी, रवे का, सूजी का हलवा। ये हमने ड्राई फ्रूट सब कुछ घी में भून लिया है और अभी इस पैन में हम घी डाल के सूजी को हलवा बना लेंगे भून के। और इसमें हम पूड़ी तलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें घी में ही करेंगे क्योंकि सबको घी ही पसंद है। तो जैसे इसका पानी सूख जाएगा फिर हम घी इसमें डाल के सूजी को अच्छे से भून लेंगे। अब हम लोग सूजी को अच्छे से भून लेंगे। मैंने नॉनस्टिक में इसलिए डाला ना कि ज़्यादा ये चिपकेगा नहीं। और इसमें हम पूड़ी बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये मेरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसको मैं और 5 मिनट और अच्छे से भूनूंगी। और जितने भी ड्राई फ्रूट थे उसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है, टुकड़ों में कर दिया, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी। अभी इसको मुझे 5 मिनट और भूनना है। और रवा भूनते टाइम ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपको फास्ट नहीं रखना है, स्लो टू मीडियम ही रखें आज, और धीरे धीरे भूने, कंटिन्यू चलाते रहो, ये बहुत पेशेंस का काम है। और आराम से फिर जब ये गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें दूध और मेवे डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये मेवे और अब फिर इसको वापस से चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे दूध क्योंकि ये अब अच्छे से ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन। अब हम लोग इसमें डालेंगे दूध। दूध को अच्छे से मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं, थोड़ा गीला हलवा अच्छा लगता है, वैसे भी हमें पूड़ी के साथ खाना है तो मस्त लगेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप हलवे के बारे में? अच्छा, वैसे ये मैं पहली बार बना रही हूँ हलवा। क्या बात है, ये देखो अब एकदम ऐसे बॉईल आने लगा है, फिर ये एकदम से बॉईल आ जाएगा और फिर हम इसे बंद कर देंगे। चीनी मैंने इसमें डाल दी है, करीब मैंने समझ लो आधा कटोरी मैंने इसमें डाली है मीठा। और अब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। देखो ये हमारा हलवा रेडी हो गया है, अब हम सबको परोस देंगे। ये हमारे एडिटर मास्टर ये अभी देख रहे हैं। राम 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 राम, 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 राम।
और हम लोग आराम से अभी टीवी देख रहे हैं। पापा लेटे हैं, उनके आंखों में दवा डाला जा रहा है। और तुम क्या करने जा रहे हो? फिर से एडिटिंग? अच्छा, तो एडिटिंग अभी बाकी है, तो भाई साहब अभी एडिटिंग करेंगे।